मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एफएमडीए की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की है। और इससे पहले दो बैठक में स्ट्रक्चर को लेकर यह बैठक थी, लेकिन इस बैठक में विकास की योजना बनाई गई है और इस बैठक में 450 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 586 करोड़ रुपए को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने एफएमडीए की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी शहरों को हरा भरा करने के लिए राज्य स्तर पर एक संयुक्त हॉर्टिकल्चर विंग तैयार किया जाएगा। इस विंग में नर्सरी और अन्य संसाधन भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद शहर के विकास के लिए मीटिंग 450 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही 586 करोड़ रुपए के नए साल के बजट को मंजूरी भी इस मीटिंग में दे दी गई है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद शहर का विकास हो रहा है और शहर की आबादी बढ़ रही है, तो पानी की मांग भी बढ़ेगी। ऐसे में मीटिंग में आदेश दिए गए हैं कि भविष्य में बेहतर सप्लाई की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस मीटिंग में हमने कुछ विकास के कामों की योजना बनाई है। लगभग 450 करोड़ रुपए की योजना सब बनी है और इस साल का बजट वो भी उसमें पास किया गया है। और उसमें भी जो डिमांड रखी गई है एफएमडीए की, जो रिसीट्स का या जहाँ से उनको पैसे आने हैं, वो भी अलग अलग विभागों का, चाहे म्यूनसिपैलिटी देगी या ईडीसी है, आईडीसी है, स्टाम्प ड्यूटी है, अथवा सरकारी जो भी कुछ ग्रांट उनको मिलनी है, उसकी प्लान सारी बना दी गई है। लगभग 586 करोड़ रुपया नए वर्ष का जो बजट बना है वो उपलब्ध कराया। सीएम ने कहा कि फरीदाबाद नगर निगम में पिछले दिनों 24 गांवों को शामिल किया गया था। इन गांवों में जमीन अधिग्रहण के बाद करीब 350 करोड़ रुपए आया था। पैसे को उन्हीं गांवों में खर्च करने की मांग ग्रामीण कर रहे थे। अब एफएमडीए की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि जो पैसा इन गांवों का है वो इन्हीं क्षेत्रों के विकास पर खर्च किया जाएगा। उनको मिलनी है, उसकी प्लान सारी बना दी गई है। लगभग 586 करोड़ रुपया नए वर्ष का जो बजट बना है वो उपलब्ध कराया जाएगा। फरीदाबाद चूँकि विस्तार बहुत हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, उसी नाते से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ाने का भी दबाव यहाँ बना है। खास करके सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी की, तो पानी जैसे जैसे आवश्यकता पड़ रही है वैसे वैसे 2041 तक की प्लान वो सारी एफएमडी ने बनाई है। धीरे धीरे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी कहाँ से आएगा, अभी तो बोरवेल से नीचे से पानी लिया जाता है, तो बोरवेल से पानी अथवा रेनी जो ये है रेनीवेल, तो रेनीवेल से व्यवस्था जो है उसको मजबूत किया जाएगा। और एसटीपीज की जो व्यवस्था आगे बढ़ रही है, लगभग 300 एमएलडी का व्यवस्थाएं जो सारी बनी हैं, उसमें बड़खल झील में भी पानी डाला जाएगा, इंडस्ट्री को भी ये जो ट्रीटेड वाटर है वो सप्लाई किया जाएगा, ताकि पोर्टेबल वाटर की हमारी आपूर्ति है जो है वो उसमें से हो। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद शहर में फिलहाल 3 बस अड्डे हैं। इनमें बल्लभगढ़ बस अड्डा, इंटरस्टेट बस अड्डा विकसित हो रहा है। एनआईटी बस अड्डे का काम भी अंतिम चरण में है। सेक्टर 12 में भी 10 एकड़ में बस अड्डा प्रस्तावित है। अब ग्रेटर फरीदाबाद में भी एक लोकल बस अड्डे की जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो छोटी बड़ी कई रोड्स पहले से चल रही हैं, उनका आज सारी रिपोर्टिंग की गई है। आगे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। वैसे लगभग 20 से ऊपर रोड्स हैं छोटी बड़ी, वो सब एफएमडीए ये सब बनाएगा। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में भी जो लोकल बस सर्विस है, सिटी बस सर्विस, इसमें 150 बसें और जोड़ी जाएँ, खास करके छोटी बसें, मिनी बस, मिडी बस, अभी तो बड़ी बसें चल रही हैं 50, तो ये बसें और जोड़ी जाएंगी, उससे भी लाभ होगा उसका। मीटिंग में केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगावा के विधायक राजेश नागर, प्रिथला के विधायक नैनपाल रावत, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वशिष्ठ सहित सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट।